के मलेको स्टेट में धधक रहे हैं जंगल। आग पर काबू पाने के लिए फायर प्लेन से की जा रही है पानी की बौछार। चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रेतीला भवंडर, भारी बर्फबारी के चलते यातायात पर भी दिख रहा है असर। आफत के चलते कई वाहन सड़कों पर फंसे। हिमाचल प्रदेश में आज से 3 दिन तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जिलों में बिजली गिरने तक की संभावना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में एवलांच की वार्निंग। दिल्ली NCR में हो सकती है हल्की बारिश। उत्तराखंड में भी मौसम लेगा करवट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बदला मौसम का मिजाज। पूरे इलाके में हुई बारिश। राजस्थान के दौसा में बारातियों से भरी बस में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ ये बड़ा हादसा। लपटों से घिरी बस से कूदकर लोगों ने बचाई अपनी जान। हरिद्वार में पेपर फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। बेंगलुरु में परफ्यूम के गोदाम में लग गई आग। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 हुए घायल। हावड़ा में शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस की AC बोगी में लगी आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। दिल्ली के नेप सराय में 9वीं के छात्र की हत्या। चाकू घोंपकर उतारा गया उसे मौत के घाट। 3 आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में वाइन शॉप के मालिक और कर्मचारी की पिटाई। 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर मारपीट। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के खिलाफ SFI कार्यकर्ताओं का फिर प्रदर्शन। राज्यपाल के काफिले को दिखाए काले झंडे। पुलिस के साथ भी टकराव। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किसान ने खेत में लगाए CCTV। लहसुन की फसल की निगरानी और सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए गए। किसानों और सरकार के बीच देर रात तक चली चौथे दौर की मीटिंग। MSP पर निकला बीज का रास्ता। दलहन, मक्का, कपास जैसी फसलों की खरीद पर कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, सरकार की सहकारिता समिति 4 कृषि उत्पादों को MSP पर खरीदेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। कल्कि धाम में मंदिर का शिलान्यास करेंगे PM मोदी। संभल में विशाल सभा को करेंगे संबोधित। PM मोदी का पोस्ट लिखा। श्री कल्कि धाम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक। मंदिर के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में करेंगे उद्घाटन। निवेश परियोजनाओं की रखी जाएगी आधारशिला। PM मोदी के स्वागत के लिए लखनऊ हुआ तैयार। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे JP नड्डा। कार्यकाल को जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया। JP नड्डा को बड़े फैसले लेने का भी अधिकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। आज अमेठी में आमने सामने होंगे राहुल गांधी और स्मृति ईरानी। दोनों नेताओं के अमेठी दौरे को लेकर सियासत भी हुई तेज।
वाराणसी में राहुल गांधी ने बीएचयू के छात्र और प्रोफेसर से की बातचीत, यूनिवर्सिटी के मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई। प्रयागराज में राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा, सड़क पर दिखा समर्थकों का हुजूम। ईडी के सामने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की पेशी आज, फेमा से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, महुआ के पेश होने पर सस्पेंस बरकरार। ईडी के छठे समन पर सीएम केजरीवाल की पेशी को लेकर सस्पेंस, ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था, कोर्ट में केजरीवाल ने बजट सत्र का दिया हवाला। ईडी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा अगर हम ईडी को रोक दें तो आधे नेता बीजेपी छोड़ देंगे। चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने दिया इस्तीफा, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने की इसकी पुष्टि। चंडीगढ़ नगर निगम में सियासी उलटफेर, आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद बीजेपी में शामिल, पूर्व मेयर अरुण सूद ने ज्वाइन कराई गाड़ी। शरद गुट के नेता क्लाइव कैस्ट्रो का अमित शाह पर निशाना, कहा बीजेपी भी परिवारवाद की राजनीति का हिस्सा। एनसीपी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, अजित पवार गुट को असली एनसीपी बताने वाले फैसले को चुनौती, शरद पवार गुट ने की थी जल्द सुनवाई की मांग।